आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ESCP मिक्स शॉपर। आज हम यहाँ अप्लाइड मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि क्रैमर नियम इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि क्रैमर रूल को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, क्वेश्चन है जो कि 2017 में आया हुआ है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं एक सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी, उसके बाद बाकी के क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने हैं और उनसे रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, उन क्वेश्चन से कोई भी डाउट होता है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो नंबर आपको शो हो रहा होगा लिंक के व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज क्वेश्चन का मैसेज कीजिए, साथ ही साथ वीडियो के बारे में बताइए जो का आपका कॉन्सेप्ट, तो वहां पर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट आपका सॉल्व किया जाएगा। चलिए तो आइए देखते हैं क्रैमर रूल को कैसे सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हमको डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी, डेल्टा की वैल्यू निकालने के बाद डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड की वैल्यू फाइंड, उनकी वैल्यू निकालने के बाद हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू मिल जाती है। किस तरीके से देखते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि हमको यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, हमको क्या करना है, डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए तो डेल्टा की वैल्यू फाइंड करते हैं, फटाफट से देखते हैं किस तरीके से हम डेल्टा की वैल्यू फाइंड करेंगे है डेल्टा, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो एक्स और वाई और जेड के जो कोएफिशिएंट वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर क्या है 3, साथ ही साथ कॉलम 2 में वाई का कोएफिशिएंट सिर्फ माइनस 1 होगा वहाँ पर, करें यहाँ पर 10 का 3 है देन माइनस, फिर हम जेड कॉलम पे आ जाते हैं, जेड का कोएफिशिएंट हमारे पास 1 है, इधर पर माइनस 2, यहाँ पर है। इस तरीके से हमने x, y और z के कोएफिशिएंट्स की जो वैल्यू हमने यहाँ पर रखी। अब इसको हमको सॉल्व करना है, आपको पता है कि डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, r1 से हम क्या करते हैं, प्रसार करते हैं, या फिर रो 1 से हम इनको एक्सपेंड करते हैं। तो रो 1 से जब हम इसका प्रसार करेंगे तो किस तरीके से करते हैं डेल्टा की वैल्यू फाइंड करना, देखिए रो 1 में और रो 1 और कॉलम 1, तो जब हम रो 1 से प्रसार कर रहे हैं तो कॉलम 1 में सबसे पहला रो 1 की वैल्यू क्या है, 2 है, हमने यहाँ पर पुट कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि हमने फर्स्ट की वैल्यू ली है, रो 1 में फर्स्ट की वैल्यू ली, तो हमने जब फर्स्ट की वैल्यू ली है तो रो 1 एंड कॉलम 1 को हम हाइड कर लेंगे। इस तरीके से हम कॉलम 1 और रो 1 को हाइड कर लेंगे, तो बाकी हमारे पास ये जो भी बचे हुए हैं आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये बचे हैं, 4 का मल्टीप्लाई 3 में होगा 12 आ जाएगा यहाँ पर, साथ ही साथ बीच में माइनस का साइन आता है, पर ऑलरेडी यहाँ पर आपको दोनों माइनस वैल्यूज दी गई है, -2 और -2 मल्टीप्लाई होकर प्लस का 4 हो जाएगा और बीच में माइनस का साइन आता है तो माइनस हो जाएगा ये आपका, साथ क्लियर है। उसके बाद पहले वैल्यू प्लस लेते हैं देन वैल्यू हम माइनस की लेते हैं, तो माइनस लगाया, फिर हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास कॉलम 1 में रो 1 का हमने वैल्यू 2 पुट कर दी थी, अब कॉलम 2 लेंगे पर रो हमारी 1 रहेगी, तो कॉलम 2 और रो 1 में हमारे पास क्या एलिमेंट है, 1 है, -1 का मल्टीप्लाई ऑलरेडी माइनस तब होगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, +1 हो जाएगी, वैल्यू +1 हो गई। अब हमको क्या करना है, हम कॉलम 1 की बात कर रहे हैं और रो 1 की बात कर रहे हैं, तो कॉलम 1 ये रो 1 ये इस तरीके से जब हम इनको छुपाएंगे हाइड करेंगे तो हमारे पास बचा क्या, 4 का मल्टीप्लाई 1 में और 3 का मल्टीप्लाई -2 में होगा, तो जब 4 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 4 हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई -2 में होगा तो -6 हो जाएगा, साथ ही साथ बीच में माइनस का साइन आता ही है तो -6 का माइनस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा हमारे पास, क्या है इतनी बात। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने कॉलम 3 और रो 1 को लेना है, कॉलम 3 और रो 1 में एलिमेंट क्या है हमारे पास, 1 है, तो हमने यहाँ पर एक बार प्लस लेते हैं वैल्यू, एक बार माइनस लेते हैं, तो एक बार हमने यहाँ पर +1 ले लिया, क्या है। अब इसको नीचे लिख लेते हैं क्योंकि आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आई थिंक, तो हमने इसको नीचे लिख लेते हैं, हम लोग यहाँ पर लेंगे कॉलम 1 एंड रो 1 का एलिमेंट हमारे पास +1 था, हमने ये +1 ले लिया, अब कॉलम 1 और रो 1 को इस तरीके से हाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बची है, -2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास अंदर -2 हो जाएगा, साथ ही साथ बीच में साइन किसका आता है, माइनस का आता है, माइनस का साइन लगा दिया हमने, 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 9 हो गया, क्लियर हो गई। चलिए अब फटाफट से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, वैल्यू क्या आएगी, और ये जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, डेल्टा की आएगी। सॉल्व करते हैं, 12 माइनस आएगा 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 16 हो जाएगा, क्या है। उसके बाद 4 और 6 10 होता है, 10 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो +10 आ जाएगा हमारे पास, देन
माइनस टू एंड माइनस नाइन का माइनस इलेवन, माइनस इलेवन का प्लस वन में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इलेवन ही रहेगा। करें अब ये क्या हो जाएगा, 26 माइनस इलेवन कितना आ गई डेल्टा की वैल्यू हमारे पास 16। डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई है 15। क्लियर है, तो ये डेल्टा की वैल्यू हमने कर ली। अब हमको क्या करना है, अब हमने बताया था कि आपको डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड की वैल्यू भी, चलिए फटाफट से डेल्टा वाई की वैल्यू, डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम, हमारे पास एक्स के जो जो कोफिशियंट, एक्स के जो जो कोफिशियंट थे, एक्स वाला जो कॉलम था, इस पूरे कॉलम की जगह हमको उठाकर क्या रख देना है, हमको उठाकर ये जो इक्वल में वैल्यूज लिखी हुई थी हमारे पास 3, 11 और 1, ये कहाँ पर उठाकर रख देनी है, कॉलम में रख देनी है। हम एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं इसलिए एक्स वाले कॉलम की जगह पर उठाकर हमको इक्वल वाली वैल्यूज यहाँ पर रख देनी है, बाकी के सारी वैल्यूज उसी। क्लियर हो गई इतनी बात, तो चलिए करते हैं इसको हम लोग सॉल्व। मैंने क्या बोला आपको, हमको क्या करना है, डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। करें डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स वाला जो कॉलम था, इस कॉलम की जगह हमको उठाकर इक्वल में जो क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई थी 3, 11 एंड 1, वो पुट कर देनी है यहाँ पर एक्स के कॉलम में। 11 एंड 1 हमने एक्स के कॉलम में पुट कर दिया, बाकी की जो वैल्यू थी उनको उसी तरीके से लिख दिया, -1, -2, -1, -2, 4। हो गई इतनी बात, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको हम फिर से क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं उसी तरीके से। एक बार मैंने आपको बता दिया, मैं फटाफट करती हूँ, स्पेंड करेंगे इसके R1 से ही एक्सपेंड करेंगे। तो R1 से एक्सपेंड करने पर ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस माइनस यहाँ पर ऑलरेडी हो जाएगा 4, माइनस का साइन पर ऑलरेडी माइनस है हमारे पास प्लस 1। कह रहे उसके बाद इस कॉलम को हाइड कर देंगे, बचा क्या 4 का मल्टीप्लाई 11 में, माइनस साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। करें अब उसके बाद थर्ड कॉलम लेंगे, थर्ड कॉलम में प्लस वैल्यू हम लोग करेंगे, प्लस वैल्यू पुट करने के बाद इस थर्ड कॉलम को छुपा देंगे, माइनस टू का मल्टीप्लाई माइनस प्लस 11 में होगा तो माइनस, एंड 1 का मल्टीप्लाई 3 में होगा साथ में बीच में, ये हो गया। क्लियर है, चलिए उसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। 12 माइनस 8 का मल्टीप्लाई 3 में होगा 24 आ जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 46 हो जाएगा, साथ ही साथ ये कितना हो जाएगा माइनस 25। क्लियर हो गई इतनी बात, 6 4 10 4 2 6 और 1 7 मतलब ये कितना हो जाएगा 70 माइनस 25, 70 माइनस 25 कितना हो जाएगा आपका 45। क्लियर हो गई, इसकी हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारे पास डेल्टा एच की। क्लियर हो गई इतनी बात, अब हमको क्या करना है, इसी तरीके से डेल्टा वाई और डेल्टा जेड की वैल्यूज भी निकालनी है, वो मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी। आपको करना क्या है कि डेल्टा यहाँ पर वाई के कॉलम में इक्वल वाली वैल्यूज पुट करनी है, जैसे मैंने यहाँ पर इक्वल वाली 3, 11 और 1 एक्स कॉलम में लिखा था, उसी तरीके से वाई कॉलम में जब डेल्टा वाई की वैल्यूज आप फाइंड करेंगे क्या करेंगे, चलिए यहाँ पर रख के दिखा देती हूँ मैं आपको, नहीं तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी, करके दिखा दीजिए, करके दिखा देते हैं। अब हमको डेल्टा वाई की निकालनी है, एक्स वाला कॉलम उसी तरीके से रहेगा पर वाई वाले कॉलम की जगह पर हमको ये इक्वल वाली वैल्यू है, करें बाकी जेड कॉलम रहेगा। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपके पास जो डेल्टा वाई की वैल्यू आएगी वो आएगी 30। वाई की वैल्यू आ जाएगी 30। चलिए अब क्या करना है, अभी हमने डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल ली है, डेल्टा वाई की वैल्यू निकाल ली है, अब हम निकालेंगे डेल्टा जेड की वैल्यू फटाफट से। यहाँ से हम डेल्टा जेड की वैल्यू निकालेंगे, मैंने क्या बोला है, जब जेड कॉलम की बात कर रहे हैं दैट मीन्स एक्स और वाई उसी तरीके से रहेंगे, एक्स उसी तरीके से रहा, वाई कॉलम भी उसी तरीके से, लेकिन जेड कॉलम में आप क्या रख देंगे, इक्वल वाली वैल्यू 11 एंड 1, ये कौन सी वैल्यूज है जो हमको क्वेश्चन में इक्वल में दी, वो वैल्यूज मैंने यहाँ पर पुट की हैं। तो अब यहाँ पर आपके पास डेल्टा जेड का मान क्या आ गया, डेल्टा जेड की वैल्यू यहाँ से हमको क्या मिल गई, -15 मिल जाएगी। और ये आपको कुछ सॉल्व करना है, मैंने ऑलरेडी आपको दो बार प्रसार करके स्पेंड करके दिखा दिया R1 से। अरे हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं क्या क्या, अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो आ गई हैं, डेल्टा की वैल्यू मिल गई हमको, डेल्टा एक्स की वैल्यू, हाँ मैं एक बार लिख देती हूँ आपके सामने, डेल्टा की वैल्यू हमको मिल, डेल्टा की वैल्यू क्या थी 15 आ गई थी, ठीक है, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ गई है 45 आ गई है, डेल्टा वाई की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई है, डेल्टा वाई की वैल्यू 30 है, एंड डेल्टा जेड की वैल्यू माइनस
क्लियर है। अब क्या करना है, अब यहाँ से हमें इन सारी वैल्यूज की हेल्प से एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो भाई एक्स की वैल्यू किस तरीके से, एक्स की वैल्यू होती है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, क्या है डेल्टा एक्स हमारे पास 45 अपॉन डेल्टा का वैल्यू क्या है 50। यहाँ से चल आउट होकर फ्री आ जाएगा एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, डेल्टा वाई की वैल्यू क्या है 30 है, डेल्टा की वैल्यू अगेन क्या हो जाएगा 50 30। ऐसे ही डेल्टा जेड मतलब जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा जेड मीन -50 अपॉन डेल्टा की वैल्यू 50 है क्या हो जाएगा -1। तो हमारे पास एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या क्या आ गई 2 2 एंड -1। तो ये आपका क्रैमर रूल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरीके से जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो आपके, एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है और जो बाकी के क्वेश्चन हैं रहे हैं क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है ये बाकी के 2014 2015 2016 आए हुए क्वेश्चन, मैंने 2017 में जो आया हुआ क्वेश्चन था वो आपको सॉल्व करके दिखाया। बाकी के 3 क्वेश्चन ये हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो भी प्रॉब्लम है आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए, आप अपना डाउट सेंड कीजिए, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। करें चलिए तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच।